जीडीए की तरफ से अवैध निर्माण की शिकायत करने के लिए प्रहरी ऐप बनाया जा रहा है, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि जीडीए के द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए प्रहरी ऐप बनाया जा रहा है। इस पर अगर कोई व्यक्ति अवैध निर्माण की फोटो अपलोड करेगा, उसकी शिकायत तुरंत दर्ज कर ली जाएगी, क्योंकि बहुत सी शिकायत है जो कि अलग अलग माध्यम से प्राप्त होती है। ऐसे शिकायतें प्राप्त करने के लिए प्रहरी ऐप एक अच्छा माध्यम साबित होगा। इसके माध्यम से हर व्यक्ति प्रहरी बन सकता है, क्योंकि अवैध निर्माण से सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके माध्यम से अवैध निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कहा, देखिए जीडीए के द्वारा पूरे गोरखपुर विकास प्राधिकरण का जो डिजिटलाइजेशन है उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए माई जीडीए ऐप जो है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसका एक 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 सेक्शन है जिसको हमने प्रहरी नाम दिया है। बहुत सारी शिकायतें जो है अनऑथराइज्ड जो कंस्ट्रक्शंस हैं, जो अवैध निर्माण है, उनकी शिकायतें लगातार विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होती रहती हैं। तो उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उसको डिजिटाइज करने के लिए प्रहरी जो है वो ऐप का एक सेक्शन डेवलप किया गया है, जिसमें हर व्यक्ति जो है वो प्रहरी बन सकता है। और मुझे लगता है कि जब किसी भी शहर में प्लान्ड डेवलपमेंट होता है तो उसी शहर को आने वाले समय में उसका बेनिफिट होता है, और जो स्लम्स के रूप में अनप्लान्ड डेवलपमेंट जो रूप ले लेते हैं उससे हम लोग बचते हैं।